हेलो फ्रेंड्स, होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी दोस्त एडिटर शानी और आप सभी को मेरे चैनल शानी लव फॉर बुक्स में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 की चैप्टर नंबर 3 यानी एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग थोड़ा मिडिल क्लास के बारे में जान लेते हैं। इसके आगे हम लोग ने देखा एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप के बारे में। अब हम लोग जानेंगे कि मिडिल क्लास के लोग कौन थे। यहाँ पर बोला है द मिडिल क्लास नाउ कंसिस्टेड ऑफ कंसीडरेबल मास ऑफ पर्सन कनेक्टेड विद इंपीरियल सर्विसेज इन द ब्यूरोक्रेसी एंड आर्मी बट ऑल्सो द मोर प्रॉस्परस मर्चेंट एंड फार्मर ऑफ हू देयर वर मेनी इन द ईस्टर्न प्रोविंसेस। तो ये जो इतना बड़ा क्लाइंट है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मिडिल क्लास हम लोग किसको बोलेंगे? उस समय के जो मिडिल क्लास के लोग होते थे वो कौन थे? वो थे कंसीडरेबल मास ऑफ पर्सन, यानी बहुत ही कंसीडरेबल पर्सन वो लोग होते थे। जो लोग कनेक्टेड थे वे भी इंपीरियल सर्विसेज, जो इंपीरियल सर्विसेज में कनेक्टेड थे यानी राजा के जो सर्विसेज होते थे वहां पर वो लोग कनेक्टेड थे। उसके साथ इन द ब्यूरोक्रेसी यानी ब्यूरोक्रेसी में भी वो लोग शामिल होते थे एंड आर्मी आर्मी में भी वो लोग होते थे। तो हम लोगों ने क्या देखा, कौन सी ग्रुप में वो लोग काम करते थे? एक थी इंपीरियल सर्विसेज, दूसरा था ब्यूरोक्रेसी एंड थर्ड थी आर्मी। और उसके साथ साथ और भी था बट ऑल्सो द मोर प्रॉस्परस मर्चेंट, यानी जो प्रॉस्परस मर्चेंट थे उन लोगों को भी हम लोग उस समय मिडिल क्लास के लोग बोलते थे। उसके साथ साथ फार्मर भी थे। फ्रेंड्स, ये वो फार्मर नहीं जो गरीब होते हैं, जो किसी और के फार्म में काम करते हैं। ये लोग थे बड़े बड़े फार्मर जिनकी खुद का ही विशाल विशाल फार्म लैंड होती थी। तो उसके साथ साथ फार्मर भी थे ऑफ हूम देयर वर मेनी इन द ईस्टर्न प्रोविंसेस, यानी जिसका की मेनी ऑफ द ईस्टर्न प्रोविंसेस जिन जिन लोगों के नाम पे था। तो उन लोग थे मिडिल क्लास के ग्रुप में। तो फिर से हम लोग देख लेते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे वो लोग कौन थे। वो लोग थे कंसीडरेबल मास ऑफ पर्सन। वो लोग कौन से काम में कनेक्टेड थे? एक थी इंपीरियल जो काम होती थी, इंपीरियल जो सर्विसेज होती थी। उसके साथ साथ वो लोग ब्यूरोक्रेसी में भी थे, आर्मी में भी थे और उसके साथ साथ प्रॉस्परस मर्चेंट भी थे। एंड जो फार्मर होते थे यानी जो बड़ा बड़ा जो फार्मर होते थे वो लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, यानी उस समय के रोमन एम्पायर की जो मिडिल सोसाइटी थी, मिडिल क्लास सोसाइटी थी, इस सोसाइटी में ये लोग पढ़ते थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं टैसिटस डिस्क्राइब द रेस्पेक्टेबल मिडिल क्लासेस एज ए क्लाइंट ऑफ द ग्रेट सेंटोरियल हाउस, यानी ये जो रेस्पेक्टेबल जो मिडिल क्लास के लोग होते थे ये क्लाइंट थे किसकी? द ग्रेट सेंटोरियल हाउस की। और इट वॉज चीफली गवर्नमेंट सर्विसेज एंड डिपेंडेंस ऑन द स्टेट दैट सस्टेन्ड मेनी ऑफ दिस फैमिली, यानी ये बिल्कुल ही चीफली ही जो गवर्नमेंट की सर्विसेज होते थे इनमें लोग शामिल थे और स्टेट भी इन लोगों की देखभाल करते थे क्योंकि ये लोग पूरी तरीके से स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट थे। तो स्टेट सस्टेन मेनी ऑफ दिस फैमिलीज। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद आता है लोअर क्लास। तो लोअर क्लास के लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे? लोअर क्लास के लोग थे ह्यूमिलियरीज। आई होप कि मैं ठीक प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ फ्रेंड्स, तो आप लोग थोड़ा सा देख लेना। तो पहले हम लोगों ने पढ़ा मिडिल क्लास फैमिली से कौन लोग थे, उसके बाद हम लोग देखते हैं जो लोअर क्लास के लोग थे। लोअर क्लास के लोगों को बोला जाता था ह्यूमिलियरीज। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो लोअर क्लास के लोग थे ये लोग कौन थे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि उस समय की जो लोअर क्लास के जो लोग थे वो कौन थे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है जो लोअर क्लास के ग्रुप का जो पीपल थे वो कौन कौन से थे फ्रेंड्स? दे वर
असिस्टेंट, यानी ये जो लेबर क्लास थे वो लोग कौन थे? वो लोग थे जो लोग जो पार्मानेंटली एम्प्लॉयड थे लार्ज एस्टेट पे, जो लोग काम करते थे। इसके साथ साथ दी वर्कर इन दी इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग एस्टेब्लिशमेंट, जो लोग इंडस्ट्री में और माइनिंग में जो लोग काम करते थे वो भी लोअर क्लास के ग्रुप के लोग थे। उसके साथ साथ जो माइग्रेंट जो वर्कर थे वो लोग भी इस लोअर क्लास के ग्रुप में पढ़ते थे। और उसके साथ साथ सेल्फ एम्प्लॉयड जो आर्टिसन होते थे वो लोग भी लोअर क्लास में बिलोंग करते थे। तो हम लोगों ने क्या देखा, कौन कौन लोग लोअर क्लास में बिलोंग करते थे? जो रूरल लेबर फोर्स थे, यानी जो लोग गांव में रहते थे वो लोग अपने अपने खाने के लिए, अपने काम के लिए जो लोग शहर में आते थे वो लोग पार्मानेंटली आके लार्ज एस्टेट में काम करते थे। तो वो लोग थे जो लोग इंडस्ट्री में काम करते थे, माइनिंग में जो लोग काम करते थे वहाँ के लोग। उसके साथ साथ जो माइनिंग वर्कर थे और उसके साथ साथ सेल्फ एम्प्लॉयड आर्टिसन जो लोग थे, ये सब जो लोग थे, ये सब जो लोअर क्लास ग्रुप में ये लोग बिलोंग करते थे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं उस समय के जो पैसा होता था वो कैसे होते थे। तो यहाँ पर बोली है ओलिम्पियोडोरस। ओलिम्पियोडोरस नाम के एक व्यक्ति थे। जो कौन थे? ओलिम्पियोडोरस थे एक एम्बेसडर। तो उन्होंने क्या बोला है, ओलिम्पियोडोरस टेल्स दैट एनुअल इनकम ऑफ एरिस्टोक्रेसी बेस्ड इन सिटी ऑफ रोम वो कितना था? अप टू 4000 एलबीएस ऑफ गोल्ड फ्रॉम देयर स्टेट। यानी ओलिम्पियोडोरस नाम की जो एम्बेसडर थे उन्होंने एक लगभग एक अप्रोक्सीमेट इनकम के बारे में बोला है, किसकी? जो उस समय की जो एरिस्टोक्रेसी थी, तो उन लोगों की जो अप्रोक्सीमेट इनकम थी वो थी लगभग 4000 एलबीएस। इसके ऊपर और भी ज्यादा इनकम उन लोगों का था, लेकिन एक अप्रोक्सीमेट इनकम के बारे में उन्होंने बोला है। तो ये थी 4000 एलबीएस ऑफ गोल्ड फ्रॉम देयर स्टेट। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मॉनेटरी सिस्टम ऑफ लेट एम्पायर ब्रोक विद द सिल्वर बेस्ड करेंसी। यानी रोम में जो पहले की जो मॉनेटरी सिस्टम थी वो किस पर बेस्ड कर होती थी? वो थी सिल्वर बेस्ड करेंसी। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 4000 एलबीएस ऑफ गोल्ड के बारे में बोल रहा है, यानी जो करेंसी है वो गोल्ड के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इस सिल्वर बेस्ड करेंसी से गोल्ड करेंसी में ट्रांसफर होते। तो चलिए अब हम लोग उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं कि वो लोग सिल्वर कॉइन की इस्तेमाल ना करके गोल्ड कॉइन की यूज क्यों करने लगे। तो यहाँ पर लिखा है कि जो सिल्वर बेस्ड करेंसी थे ऑफ द फर्स्ट 3 सेंचुरीज में वो ब्रोक कर गई। क्यों? बिकॉज द स्टैंडिंग सिल्वर माइन वेर एग्जॉस्टेड एंड गवर्नमेंट रन आउट ऑफ सफिशिएंट स्टॉक्स ऑफ मेटल टू सपोर्ट स्टेबल कॉइनेज इन सिल्वर। यानी जो स्टैंडिंग सिल्वर की जो माइन थी वो बिल्कुल ही एग्जॉस्ट कर गई थी, टोटली खत्म हो गई थी, और गवर्नमेंट भी इनसफिशिएंट थी। यानी गवर्नमेंट भी एवेल नहीं थी कि सफिशिएंट मेटल देके वो लोग फिर से सिल्वर कॉइन्स को फिर से तैयार करें। तो इसके लिए ही ये जो सिल्वर कॉइन की जो सिस्टम वो लोगों ने चालू किया था, यानी वो लोग जो सिल्वर कॉइन से ही खरीदना सब कुछ करते थे उस समय की मार्केट में जो सिल्वर कॉइन चलती थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई। उसके बाद क्या आई, कॉन्स्टेंटाइन फाउंडेड द न्यू मॉनेटरी सिस्टम ऑफ गोल्ड। यानी जब कॉन्स्टेंटाइन आई उन्होंने एक न्यू मॉनेटरी सिस्टम लाई वो थी गोल्ड की। एंड देयर वाज अ वास्ट अमाउंट ऑफ दिस इन सर्कुलेशन। यानी जब गोल्ड की मॉनेटरी सिस्टम कॉन्स्टेंटाइन ने चालू किया तो फिर से वो लोग गोल्ड की इस्तेमाल करने लगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गोल्ड की जो अमाउंट थी वो वास्ट थी,
तो इसके लिए अब उन लोगों को और कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, रोमन ब्यूरोक्रेसी वाज कंपैरेटिवली एफ्लुएंट ग्रुप बिकॉज इट ड्यू बाल कॉपी सैलरी इन गोल्ड। देखिए फ्रेंड्स, पहले तो सिल्वर था, अब गोल्ड आ गए और उससे क्या हुआ, तो रोमन जो ब्यूरोक्रेसी थे, ब्यूरोक्रेसी में जो हायर और जो मिडिल दोनों तरफ के ही जो ब्यूरोक्रेट थे, दे वर कंपैरेटिवली एफ्लुएंट ग्रुप। वो लोग बहुत ही एफ्लुएंट ग्रुप थे, यानी बहुत ही धनी थे, यानी बहुत ही रिच पर्सन थे। और बिकॉज इब्रियो बल्क ऑफ इट सैलरी इन गोल्ड, यानी उन लोगों को जो सैलरी दिया जाता था वो गोल्ड में दिया जाता था। एंड इन्वेस्टेड एंड दे इन्वेस्टेड इट टू बाय एसेट लाइक लैंड, यानी अब वो लोग जो सैलरी उन लोगों को मिलता था वो तो ह्यूज अमाउंट में ही था, तो इसके लिए ही वो लोग उस गोल्ड को देके, यानी उस सैलरी को देके वो लोग और भी अदर जगह पर वो लोग इन्वेस्ट करते थे। कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते थे, वो लोग लैंड खरीदते थे, लैंड को वो लोग एसेट के तौर पर देखते थे। तो इसके लिए ही उन लोगों की जो ह्यूज अमाउंट की उन लोगों का जो सैलरी होती थी उससे ही वो लोग एसेट के तौर पर लैंड खरीदते थे। उसके बाद क्या हुआ, देयर वर ग्रेट डील ऑफ करप्शन। ऑब्वियसली फ्रेंड, जब इतना सारा पैसा होगी, इतना ज्यादा वेल्थ होगी, इतना ज्यादा गोल्ड होगी, तो ऑब्वियसली वहां पर तो करप्शन होगी ही। तो इसके लिए ही यहाँ पर बहुत ज्यादा करप्शन अब सोसाइटी में छा गया था। तो इसके लिए ही यहाँ पर बोला है कि देयर वर ग्रेट डील ऑफ करप्शन स्पेशली इन द जुडिशियल सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री, यानी वहां पर बहुत ज्यादा अब करप्शन होने लगी। तो कहाँ कहाँ होने लगी, जुडिशियल सिस्टम में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री में, इस सब जगह पर बहुत ज्यादा करप्शन होने लगी। तो ऐसा नहीं था कि रोमन एम्पायर की जो एम्पायर थे वो लोग नहीं चाहते थे कि करप्शन को हटाया जाए, लेकिन करप्शन को हटाना इतना आसान नहीं था। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि उस समय के एम्पायर ने क्या क्या किया था। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या करते थे इस करप्शन को कट करने के लिए। यहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट इंटरवेंट रिपीटेडली टू कट द करप्शन, यानी गवर्नमेंट ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट जो करप्शन थी इसको और भी ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, नहीं, गवर्नमेंट चाहते थे कि करप्शन कम किया जाए। तो इसके लिए ही उन्होंने गवर्नमेंट रिपीटेडली इंटरवेंट करते थे, यानी गवर्नमेंट रिपीटेडली हस्तक्षेप करते थे ताकि इस करप्शन को कम किया जाए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रोमन स्टेट वॉज ऑथोरिटेरियन रेजिम, डिसेंट वॉज रेयरली टॉलरेटेड, गवर्नमेंट यूजुअली रिस्पॉन्डेड टू प्रोटेस्ट विद वायलेंसेस। यानी हम लोग देखते हैं कि जो ये जो रोमन जो गवर्नमेंट थी ये टोटली ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट थी, तो यहाँ पर जो लोग भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते थे तो गवर्नमेंट उन लोगों के ऊपर वायलेंटली स्टेप लेते थे। इसके बाद हुआ कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ रोमन लॉ हैड इमर्ज्ड बाय 4th सेंचुरी। उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, तो धीरे धीरे करके लोगों के मन में तो एक जागरण जगी कि नहीं, हम लोगों को इस तरह की जो लॉ है इसको चेंज करना ही पड़ेगा, हम लोग नहीं मानेंगे इस ऑथोरिटेरियन लॉ को। तो इसके लिए ही एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन शुरू हुई और रोमन लॉ में कहा जो इमर्ज हुई 4th सेंचुरी में। This acted as a break on even the most fearsome empire. तो अब जो 4th सेंचुरी में जो नया तरीके से रोमन लॉ आई उससे क्या हुआ, वो एक क्या मैं बोलूं, इतने दिनों का जो शासन थी, जो ऑथोरिटेरियन जो शासन थी उसका भी ब्रेक हो गया। और This acted as a break even the most fearsome emperor. और अब क्या हुआ? अब emperor not free to do whatever they like. अब ऐसा law लेके आया हो गया कि ताकि ये जो fearsome जो emperor होते थे, ये लोग जो अपने इच्छा के, अपने मर्जी के ऊपर किसी भी लोगों के ऊपर torture करते थे, इस तरह की law लेके वो लोग आए ताकि ये जो एम्पायर थी इन लोगों की जो शक्तियां थी ये थोड़ा कम किया जाए। अब एम्पायर वाज नॉट फ्री टू डू
वॉट एवर दे जाए। अब ऐसा लॉ लेके आ गया आया हुआ कि ताकि एम्परर अब एम्परर को कंट्रोल किया जाए, ताकि वो उनके मर्जी के हिसाब से वो जो करते थे किसी भी लोगों के ऊपर वो अत्याचार करते थे, इसको कंट्रोल किया जाए। एंड द लॉ यूज टू प्रोटेक्ट सिविलाइज। और ये जो लॉ लेके उस समय के लोग आए थे, ये इसका यूज होने लगा टू प्रोटेक्ट सिविल राइट को प्रोटेक्शन देने के लिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हो उस समय की सोशल हायरार्कीज के बारे में। आज की लेक्चर हम लोग यहाँ पर ही खत्म करते हैं। कल मेरी आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोग बहुत अच्छे रहो, खुश रहो, अच्छे से पढ़ाई करो और चाहो